नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, वैसे तो आपने बड़े बुजुर्गों से अपने बाल गणेश की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। आज मैं भी आपको भगवान गणेश के बालपन से जुड़ी हुई एक बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी आपको धर्म और भक्ति की शिक्षा देगी, साथ ही इस कहानी में आपको गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए इसका भी पता चलेगा। इस कहानी को ध्यान से सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। एक बार की बात है जब बाल गणेश तीनों लोकों में खेल रहे थे। खेल खेल में अचानक वो बैकुंठ धाम में पहुंच गए जहाँ भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे। बैकुंठ धाम में बाल गणेश को एक चमकता हुआ चक्र दिखाई दिया। वो चक्र भगवान विष्णु का धर्म चक्र था। चक्र को देखकर बाल गणेश का ध्यान उस चक्र की ओर आकर्षित हुआ। बाल गणेश ने सोचा कि वो चक्र एक खिलौना है। चक्र को खिलौना समझकर उससे खेलने के लिए बाल गणेश ने चुपके से भगवान विष्णु के हाथ से घूमता हुआ चक्र ले लिया और वो चक्र से खेलने लगे। तपस्या में लीन भगवान विष्णु को जब इसका एहसास हुआ तब वो बहुत चिंतित होने लगे। तभी उन्होंने देखा कि धर्म चक्र तो बाल गणेश के पास है। भगवान विष्णु ने ये देखकर बाल गणेश से विनती की कि वो चक्र उन्हें दे दें, लेकिन नटखट बाल गणेश धर्म चक्र देने की इच्छा में नहीं थे। भगवान विष्णु उनसे चक्र ना ले सके, इसके लिए उन्होंने उस चक्र को अपने मुख में छिपा लिया। बाल गणेश को ऐसा करते देख भगवान विष्णु सोचने लगे, अब क्या किया जाए कि बाल गणेश वो चक्र उन्हें दे दें। चक्र को वापस पाने के लिए उन्हें एक उपाय सूझा, लेकिन उसके लिए बाल गणेश को हंसने पर विवश करना था। चक्र को वापस पाने का यही एक रास्ता था। बाल गणेश को हंसाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी बाहों को क्रॉस कर अपने कानों को खींचा और नीचे झुकना और फिर उठना शुरू कर दिया। बाल गणेश ने जब भगवान विष्णु को ऐसा करते हुए देखा तो वो अपनी हंसी ना रोक सके और वो इतनी तेजी से हंसने लगे कि उनके मुंह से वो चक्र बाहर निकलकर सीधे भगवान विष्णु के हाथों में जा पहुंचा। और तब से ही झुकना, पीठ फैलाना और कानों को क्रॉस हाथों से पकड़ना गणेश पूजा का एक तरीका बन गया। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बाल गणेश की कहानी थी ना मजेदार? तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? बच्चों, भगवान गणेश की पूजा करने से हमारे जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और संकट के समय सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। बच्चों, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अगर आप भी झुककर पीठ फैलाते हुए अपने कानों को क्रॉस हाथों से पकड़कर उनसे कुछ मांगेंगे तो वो ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी ऐसी ही एक नई और मजेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।